वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज हम बात करेंगे 12 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी हेडलाइंस क्या हैं। हमारी आज की हेडलाइंस है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 12 अक्टूबर। पद्मश्री डॉक्टर टेम्सुलाओ पासेस अवे। पीएम मोदी एड्रेसेस यूएन वर्ल्ड जियोस्पेशियल कांग्रेस इन हैदराबाद। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इनॉग्रेट CSK एकेडमी। अनंत नारायण गोपालकृष्ण टेक चार्ज एज होल टाइम मेंबर इन सेबी। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक लॉन्चेस फुटबॉल फॉर ऑल। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्स 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ई इनवॉइसेस फॉर बिजनेस विद ओवर ₹5 करोड़ एनुअल टर्नओवर मैंडेटरी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। IMF cuts India's GDP forecast to 6.8%, warns global economy says worst yet to come. Harmanpreet Kaur and Mohammad Rizwan win ICC Player of the Month award. Centre announces one-time compensation of ₹22,000 crore for OMCs to recover LPG losses. तो देखते हैं हमारे आज की हेडलाइंस की क्या डिटेल्स हैं। पनीशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panacea Tutor for your successful and bright future. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के बारे में। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया जाता है अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस है रूमेटिक एंड मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस के रिलेटेड। तो इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो इस साल की जो थीम है वो रही है इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन। तो इसके अंडर बात की जाती है कि अगर अभी तक आप सेफ हैं उस डिजीज से तब भी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेने चाहिए, लेकिन अगर आप उस डिजीज के साथ ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तब भी वो डिजीज के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। आपको निराश उस चीज के लिए नहीं होना चाहिए। आप बाकी लोगों के साथ बात करिए, आप डॉक्टर्स के साथ उस चीज के बारे में डिस्कस करिए। नेक्स्ट हेयर वी हैव अ न्यूज अबाउट डॉक्टर टेम्सुलाओ। शी इज अ नागा राइटर and she passed away at the age of 80. अगर हम बात करें positions की तो she was former chairperson of Nagaland State Commission for Women Academician and she was a very renowned writer also. और उनको बहुत सारे awards भी जो मिले हैं, एक बार हम awards पर भी निगाह डाल लेते हैं। उनको पद्मश्री मिला था 2007 में, फिर उनको Nagaland Governor Award मिला था for distinction in literature और मेघालय सरकार ने भी उनको अवार्ड जो है वो दिया था, गोल्ड मेडल दिया था उनको। एंड ही शी इज ऑल्सो विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अकॉर्ड, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन लिटरेचर। नेक्स्ट है वी हैव यूएन वर्ल्ड जियोस्पेशियल कांग्रेस। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने इस कांग्रेस को वर्चुअली अटेंड किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इस साल की जो थीम थी वो थी जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जियोस्पेशियल टेक्निक से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो हमें हर गांव हर शहर तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी उसके बेनिफिट से पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो ये कन्वीन की थी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने और उसके अंडर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट है वी हैव फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने इनॉग्रेट किया है CSK एकेडमी को। तो महेंद्र धोनी जो ग्लोबल स्कूल है तमिलनाडु में, उसके अंडर इसको अभी लॉन्च किया गया है। ये IPL की थर्ड ऐसी एकेडमी है हमारे इंडिया में। इससे पहले दो ऐसी अकेडमीज ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुकी हैं। फर्स्ट वन इज इन चेन्नई एंड सेकेंड वन इज सलेम।
एंड महेंद्र धोनी इज द फर्स्ट फ्रेंचाइज ओन्ड सुपर किंग्स एकेडमी इन इंडिया. नेक्स्ट वी हैव अनंत नारायण गोपाला कृष्ण. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्थ फुल टाइम मेंबर इन सेबी. तो इससे पहले भी ऑलमोस्ट टू डेकेड्स के लिए इनका जो करियर है वो रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक से रिलेटेड. इस अपॉइंटमेंट से पहले ही वॉज सर्विंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. और एशियन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक्स में भी उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशंस जो हैं इससे पहले होल्ड की हैं. तो इनका जो टेन्योर होगा वो रहेगा 3 साल का. और सेबी की कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं. सेबी वॉज फाउंडेड ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 1992. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई और इसकी जो चीफ है वो है माधवी पुरी बुच. नेक्स्ट ईयर वी हैव ओडिशा CM नवीन पटनायक लॉन्चेस फुटबॉल फॉर ऑल. तो फीफा ने जो है वो कोलैबोरेट किया है ओडिशा गवर्नमेंट के साथ और उसके अंडर उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करने के लिए. तो इसके अंडर 43,000 फुटबॉल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगी 2,000 स्कूल्स में. दिस इज द फर्स्ट सच प्रोग्राम ऑफ फीफा इन इंडिया और सबसे पहले हुआ है ओडिशा में. ही जॉइंड द प्रोग्राम ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट हियर वी हैव न्यूज अबाउट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी. तो उनका जो नेटिव विलेज है जिसका नाम है सितब दियारा वो सरान डिस्ट्रिक्ट बिहार में सिचुएटेड है. तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी वो गए थे वहाँ पर उनका स्टैचू इनॉग्रेट करने के लिए. तो उन्होंने वहाँ पर बात की संपूर्ण क्रांति की जो कि आइडियोलॉजी थी जयप्रकाश नारायण जी की. अमित शाह जी के अलावा वहाँ पर और भी कई पॉलिटिकल लीडर्स ने इस इवेंट को अटेंड किया था. तो वहाँ पर यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ UP योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहाँ पर इस इवेंट को अटेंड किया था. यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में. तो उनका जो बर्थ है वो हुआ था 11th ऑफ अक्टूबर 1902 में. मैंने आपको जैसे अभी बताया कि उनका बर्थ हुआ था सितब दियारा जो कि बिहार में सिचुएटेड है. तो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JP और लोकनायक. तो वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के. तो ही वॉज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थियोरिस्ट सोशलिस्ट एंड पोलिटिकल लीडर. और उनकी डेथ के बाद उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था 1999 में. नेक्स्ट है वी हैव अ न्यूज अबाउट e-invoices. तो 5 करोड़ से ऊपर जिन भी बिजनेसेस की टर्नओवर है उनको ये मैंडेटरी किया गया है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर से वो e-invoices जो हैं वो जनरेट करेंगे. तो e-invoices का ये बेनिफिट हो जाता है कि सबसे पहले तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट के पास उनके रिकॉर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे. उसका सेकेंड बेनिफिट जो है वो ये है कि कंपनीज के लिए भी वो एक रिकॉर्ड की तरह उन्हें ईजी प्रोविजन मिल जाएगी. तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि ₹1 करोड़ के ऊपर जितनी भी कंपनीज की टर्नओवर है वो e-invoicing के अंडर वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. तो ₹5 करोड़ की जो टर्नओवर वाली है कंपनीज हैं उनको बोला था अक्टूबर 1, 2020 से. तो 2020 से ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था. फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर्स को टाइम पीरियड दिया था कि आप अब से e-invoicing शुरू करेंगे. तो उसी का ये पार्ट है. गवर्नमेंट 5 करोड़ तक पहुंच गई है. इसके बाद गवर्नमेंट 1 करोड़ वाली जो फॉर्म्स हैं उनको भी इसके अंडर इंक्लूड करने वाली है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में. नेक्स्ट ईयर वी हैव IMF कट्स इंडिया GDP फोरकास्ट. तो अभी रिसेंटली RBI ने जो फोरकास्ट दिया है इंडिया के GDP ग्रोथ से रिलेटेड वो दिया है 7% पर. लेकिन आप देखेंगे अगर IMF के फोरकास्ट तो IMF ने जनवरी में बोला था कि 8.2% से इंडिया की GDP ग्रो करेगी. फिर उन्होंने उसको रिड्यूस करके जुलाई में कर दिया था 7.4 और फिर से उसको रिड्यूस करके अक्टूबर में कर दिया गया है 6.8%. तो ग्लोबल लेवल पर भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी स्लो डाउन होने के इंडिकेशंस दिए हैं. तो 2.7% ग्लोबल फोरकास्ट भी जो है वो दिया है. और IMF ने बोला है बहुत सारी इकोनॉमीज के लिए 2023 इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ रिसेशन. जो बड़ी हमारी इकोनॉमीज़ हैं जैसे US है, चाइना है, ब्रिटेन है, उनमें जो ग्लोबल स्लोडाउन है वो ऐसे ही
होता रहेगा. नेक्स्ट हियर वी हैव आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड. तो सितंबर मंथ का जो अवार्ड है उसके बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं. वो दिया गया है वुमेन कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर को, जो हमारी इंडिया की वुमेन टीम की कैप्टन है. तो वुमेन कैटेगरी में वो दिया गया है हरमनप्रीत कौर को, एंड शी बिकम्स द फर्स्ट विनर ऑफ आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ. और उनको ये अवार्ड जो है वो मिला है फॉर हर लीडिंग रोल इन हर टीम्स फर्स्ट ओडीआई सीरीज विक्ट्री इन इंग्लैंड. और जो मेल कैटेगरी अगर हम उसकी बात करें तो वो दिया गया है मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर एंड बैटर हैं. तो उन्होंने जो अभी T20 सीरीज हुई थी सितंबर में, उसमें जो उन्होंने उनके जो रन्स हैं वो टोटल 553 रन्स थे, जो इस अचीवमेंट के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट ईयर वी हैव सेंटर अनाउंसेस वन टाइम कंपनसेशन ऑफ ₹22,000 करोड़. तो तीन बड़ी कंपनीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हमारे इंडिया में, द विच इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन तीनों का कुछ वक्त से इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं पेट्रोल डीजल और एलपीजी में, उससे इन कंपनीज को बहुत लॉस हुआ है. उस लॉस की अमाउंट कंबाइंड 18,480 करोड़ बताई गई है. तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वन टाइम कंपनसेशन इन तीनों कंपनीज को दिया है, उसकी अमाउंट है 22,000 करोड़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दीज वर आर करंट अफेयर्स फॉर टुडे. सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो.